हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि तीन टाइप के ब्रिज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। गोइंग टू स्कूल हमारे चैप्टर का नाम था। तो सबसे पहले में थे बच्चे बैम्बो ब्रिज की हेल्प से स्कूल जा रहे थे, दूसरे में वो लेह लद्दाख के बच्चों का एग्जाम्पल था जिसमें वो एक ट्रॉली की हेल्प से स्कूल जा रहे थे, और तीसरा एग्जाम्पल था पक्के ब्रिज का जिसमें बच्चे ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे थे। उसके बाद हमने बताया था कि ये किस चीज से बनके बना होता है, ये वाला किस चीज से बनके बना होता है, ये किस चीज से मिलके बना होता है। तो आज हम लोग एक एक्टिविटी के साथ आए हैं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। जो पुली वाला मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया था कि पुली की हेल्प से इजिली रॉप एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। एक्टिविटी में क्या है कि एक किसी भी वैन या किसी भी गड्ढे के अंदर आप लोगों ने एक रस्सी के साथ कोई भी चीज या कोई भी बकेट बांध दी, बकेट बोले तो बाल्टी आपने बांध दी, तो आप उस बाल्टी को खींच रहे हैं सीधा। तो आप लोगों को अगर वो बाल्टी भरी है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा आप लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है उसको खींचने में, ठीक है। अगर उसी रस्सी को हम लोग किसी पुली के ऊपर से क्रॉस करवाए, पुली मैंने बना दी यहाँ पे जो घूम सकती है गोल, ठीक है, तो इसके एक तरफ तो हमने लटका दी बाल्टी और दूसरी तरफ से ये इसको खींच रहा है। तो इसको खींचने में और उसको खींचने में जब आप देखेंगे तो विदाउट पुली ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही थी और पुली की हेल्प से ये इजिली खींच पा रहा है, इसको इजिली ऊपर पुल कर सकता है ये। तो इन दोनों में आप लोग देखेंगे कि इसमें कम फोर्स लगानी पड़ी और इसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। तो पुली की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी और इजिली हम लोग उसको पानी को या फिर कोई भी चीज को ऊपर खींच पाएंगे। एक तीसरी एक्टिविटी और बनाई हुई है जो कि आप घरों पे ट्राई कर सकते हैं, घर में ट्राई कर सकते हैं। क्या है, एक कोई भी आपकी इसमें आपके घरों में कोई भी बेड हो गया, कोई भी खाट होगी, तो खाट को इसने टेढ़ा ऐसे रखा हुआ है, तो खाट के जो चार पाए होते हैं उन चार पाए होते हैं पाए के ऊपर इसने क्या किया, रस्सी बांधी, दो पाए के बीच में इसने रस्सी बांधी टाइट, ठीक है। रस्सी के एक तरफ आपने कोई भी ईंट लटका दी जो दूसरी रस्सी के साथ बांध के लटका दी है, और उसको रस्सी को इस रस्सी के ऊपर से घुमा के लेके आए और यहाँ पे आप बैठ गए और उसको खींच के देख रहे हैं, तो ये आप पाएंगे कि ये इजीली खींच पा रहा है विद रेस्पेक्ट टू आप ईंट को ऐसे खींचेंगे। तो ये वाली आपकी एक्टिविटी आप लोगों को घर पे भी ट्राई करके देखनी है, जिसमें आप एक रस्सी बांध देंगे चार पाई के साथ, चार पाई के दो पायों के साथ आप रस्सी बांधेंगे और उसके ऊपर से आप लोग कोई भी ईंट लटकाएंगे रस्सी के साथ, और आप देखेंगे इसको खींचने में आपको कम फोर्स लग रही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कैरी ऑन करते हैं जो यहाँ तक आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जितनी ब्रिज के बारे में पढ़ा या एक्टिविटीज की, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बुक में। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमें उन क्वेश्चंस में किस तरह से आंसर करना है और क्या आंसर लिखेंगे। जो मैं आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ या फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से आंसर लिखना है, तो आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर वैसे ही क्वेश्चन आंसर लिखने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बू ब्रिज। तो आपको जिस पिक्चर के नीचे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पिक्चर में आपने देखा होगा पक्का ब्रिज बनाया हुआ है जो कि सीमेंट से बना हुआ है। तो क्वेश्चन है, हाउ इज दिस पक्का ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बो ब्रिज, ये पक्का ब्रिज बैम्बो ब्रिज से अलग कैसे है। तो हमारा आंसर होना चाहिए पक्का ब्रिज इज मेड अप ऑफ, पक्का ब्रिज किससे मिलकर बना होता है, सीमेंट, ब्रिक, आयरन रोड्स। तो हमने ऐसा ही लिख दिया पक्का ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक, आयरन रोड्स, व्हाइल बैम्बो ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बो एंड रोप्स। बैम्बो ब्रिज किससे मिलकर बना होता है, बैम्बोस, बांस से और रस्सियों से मिलकर बना होता है। तो हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया कि कैसे डिफरेंट है, ऐसे डिफरेंट है कि ये सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रोड से मिलकर बना है, व्हाइल दिस इज मेड अप ऑफ बैम्बो एंड रोप्स। क्वेश्चन हमारा सेकेंड आता है, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आपको क्या लगता है कि कितने पर्सन एक ब्रिज को एक बार में एक समय में पास कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं बताया हुआ, कोई ब्रिज स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम लोगों ने तीनों ब्रिज के बारे में आंसर लिखना है। पहला हमारा आंसर होना चाहिए बैम्बो ब्रिज। अगर हम बैम्बो ब्रिज की बात करें तो उसपे एक बार में दो से तीन पर्सन, दो से तीन पीपल जा सकते हैं,
वो क्रॉस कर सकते हैं उसको। दूसरा हमारा आंसर होना चाहिए द ट्रॉली। ट्रॉली के अंदर 4 से 5 पीपल एक बार में एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तीसरा हमारा आंसर होना चाहिए पक्का ब्रिज। पक्का ब्रिज के ऊपर 20 से 25 लोग एक बार में बिना किसी परेशानी के पास ऑन कर सकते हैं, निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज। हम आप लोगों को अगर कोई चांस दें तो आप कौन सा ब्रिज यूज करना प्रेफर करेंगे और क्यों। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। आप लोगों के पास तीन ऑप्शन है, तीनों के तीनों बैम्बो ब्रिज का ऑप्शन है, ट्रॉली का ऑप्शन है, पक्का ब्रिज का ऑप्शन है। तो आप कौन से ब्रिज का यूज करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले तो, और उसके बाद आपको लिखना है क्यों क्यों आप उसका यूज करना चाहें। तो ये वाला आंसर आप स्वयं लिखेंगे, खुद से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू स्कूल। क्या आप जब स्कूल आते हैं तो आपको रास्ते में किसी ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। इफ यस, अगर हाँ, विच वन, कौन सा ब्रिज आप यूज करते हैं इन तीनों में से, ड्रा द पिक्चर। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूं कि अगर आप स्कूल आ रहे हैं और आपके रास्ते में कोई भी ब्रिज आता है तो आप लोगों को उस ब्रिज के बारे में लिखना है कि हाँ हमारे रास्ते में कोई ब्रिज आ रहा है और ब्रिज कौन से टाइप का है वो भी बताना है, और साथ में आपको क्या करना है उसकी पिक्चर भी ड्रा करनी है। तो आपका आज का काम इतना ही रहेगा, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और कल की डेट में ये याद भी करके आना है।